लंबे अरसे के इंतजार के बाद बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में सूबे के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा के कई विधायक एवं सांसद ने शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सी ब्लॉक का उद्घाटन किया। बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। बिहार के सुदूर बेतिया जिले के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें मरीजों को रहने के लिए 500 बेड के अस्पताल का जो नया भवन 77 करोड़ की लागत से बना है उसका आज उद्घाटन किया गया है। और इसके कारण जो संपूर्ण चंपारण के हमारे लोग हैं उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर मिल सकेंगी। और इस अस्पताल के की एक और खासियत ये होगी कि यहाँ पे एक मशीन लगाया जा रहा है जिससे अब ऑक्सीजन जनरेट होगा इस अस्पताल के अंदर, और उसी ऑक्सीजन को अस्पताल के अंदर सप्लाई किया जाएगा। पहले जो ऑक्सीजन के सिलेंडर से सप्लाई होते थे वो इमरजेंसी के लिए सर्विसेज रहेगा, तो एक नई व्यवस्था की शुरुआत भी इस बेतिया मेडिकल कॉलेज के अंदर की जा रही है। आज से मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस ब्लॉक में अभी 500 बेड की फैसिलिटी है जहां मरीज अपना इलाज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ करा सकते हैं। वहीं उद्घाटन के बाद मंगल पांडे ने पूरे ब्लॉक के साथ साथ मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। मैंने अपने मित्रों से बात किया, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फाइनल ईयर के बच्चों को जिस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए वो टीचिंग में नहीं मिल पा रही है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया कि अगर तुम लोग समय दे सकते हो या नहीं, और मुझे पूरा दो मेरे जो प्रोफेसर्स हैं जो कार्डियोलॉजी के अभी कंसल्टेंट हैं वो दोनों तैयार हो गए कि नहीं हम देंगे। और वहीं से ये पूरा आइडिया इवॉल्व आया है कि एक पूरा ग्रुप है हम लोग का, और बहुत ही अच्छा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्नयन करके स्कूल के बच्चों के पढ़ाई और उसका एक ऐप तैयार किया जिसे वो कभी भी देख सकें। इसी तरह की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चों की व्यवस्था मैं कराऊँगा कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो बिहार के ही डॉक्टर्स हैं पर आज वहाँ पर कंसल्टेंट हैं वो सब कम से कम एक क्लास महीने में जरूर ले, तो 10 क्लासेस महीने का मैं निश्चित करवा दूंगा। बता दें कि 77 करोड़ की लागत से बने 500 बेड का इस ब्लॉक में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं डिप्यूटी CM रेणु देवी ने इस अस्पताल को अपने सपनों का ताजमहल करार देते हुए कहा कि इसी अस्पताल में उनका जन्म हुआ था और आज इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि मैं इसी हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ताजमहल तैयार हो गया जहां मैं जन्म ली थी, और उसे देख कितनी खुशी लग रही है और जनता की इतनी बड़ी सेवा ये माननीय हमारे NDA की सरकार ही कर सकती है बिहार के लोगों को, और वो हुआ भी, साकार भी हुआ। और मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने और अपने यहाँ के सांसद भाई संजय जायसवाल जी ने, जो आज जितनी बड़ी सोच है कि हमारे बच्चे कैसे उत्कृष्ट बनेंगे, कैसे अच्छे बनेंगे, कैसे अच्छे बन के सेवा करेंगे, इस तरह की व्यवस्था बाहर से डॉक्टर को लाना और उन्हें इन लेक्चर्स रूम में आज बैठने का कारण था कि इस तरह से लेक्चर देना और बच्चों को सिखाना, इससे बड़ा कोई काम, इससे बड़ा मानवता का धर्म कुछ नहीं हो सकता है। हमारे बच्चे, यहाँ के जो भी बच्चे बेतिया मेडिकल कॉलेज से और जहाँ से भी पढ़ के निकल रहे हैं, क्वालिटी निकले और लोगों का सेवा करते रहें, यही हम लोगों की शुभकामना है।